Hello everybody, most welcome to Class of Path, your very own favorite channel. And who am I? Well, I'm your English educator. And फिलहाल बच्चों आप सबको पता ही है कि मैं आपको क्लास सेवन्थ की इंग्लिश पढ़ा रही हूँ. तो फिलहाल हम लोग कर रहे हैं जो आपकी क्लास सेवन्थ CBSE की टेक्स्ट बुक है हनी कूम, उसमें से हम अभी पढ़ रहे हैं. एंड आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 10 फ्रॉम योर बुक हनी कूम. एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज द स्टोरी ऑफ क्रिकेट. So, bachcho, most welcome to my session. I'm your English educator. I'm very, very happy to welcome you all here. I hope this channel is giving you really an amazing experience, and I hope that it is really helping you a lot in the endeavor of acing your school exams. So, if you want to ace your school exams, don't forget to buy the An Academy ki subscription. Or, aap jab kharidenge subscription, then don't forget to use my code SOS10 to get flat 10% off on your purchase. Chaliye bachcho, most welcome to my session. My name is Sonam Sudhan. I'm your English educator. So, I come here with 4+ years of learning experience. Theek hai? So, yeah, let's go ahead without any further ado. तो बच्चों आप सब ने मुझे अन अकेडमी क्लास 6 पर देखा ही होगा, राइट? वहाँ पर मैं आप लोगों की सेशंस बहुत टाइम से ले रही हूँ. सो हियर इट इज़ बच्चों, ये जो लिंक है अन अकेडमी क्लास 6 का जो टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. अगर आप लोगों ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए सो दैट यू गेट the latest updates of all these sessions. ठीक है? And here it is guys, Bugs Bounty. तो Bugs Bounty क्या है? अगर आपको किसी भी educator का content inappropriate लगता है तो आप उसको report कर सकते हैं, और report करने के लिए इसका भी link जो है वो description box में है. Now, An Academy ask a doubt. Well, what is this? This is one feature brought to you by An Academy, जहाँ पर आप घर बैठे बैठे पूछ सकते हैं unlimited doubts anytime throughout the day. और जवाब में आपको मिलेंगे क्या? वेल, यू विल गेट वीडियो सॉल्यूशंस टू ऑल योर क्वेश्चंस. एंड जो आपको सॉल्यूशंस मिलेंगे वो बहुत ही एक्यूरेट होंगे, बहुत ही इंस्टेंट होंगे. तो अब आपको यूज़ कैसे करना है आस्क डाउट? तो गो टू द अन अकेडमी ऐप जो आपने डाउनलोड कर रखी है अपने फ़ोन में, वहाँ पर जाइए, क्लिक ऑन आस्क डाउट. क्लिक करने के बाद में आप लोग जो है अपने डाउट की एक पिक्चर खींचिए. पिक्चर खींचने के बाद में आप उस पिक्चर को क्रॉप करिए. क्रॉप करने के बाद में आप सब्जेक्ट मैच करिए और फिर अपना क्वेश्चन भेज दीजिए. विद इन नो टाइम यू विल गेट एन आंसर. चलिए बच्चों, लेट अस स्टार्ट. सो दिस चैप्टर, आई थिंक द टाइटल इज़ वेरी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, द स्टोरी ऑफ क्रिकेट. तो ये जो चैप्टर है बच्चों, ये डिस्कस करेगा द रेवोल्यूशन दैट क्रिकेट वेंट थ्रू, व्हाट एंड हाउ इट यूज्ड टू बी, हाउ इट यूज्ड टू बी प्लेड विद व्हाट ऑल काइंड ऑफ यू नो थिंग्स विच यूज टू बी यूज इन क्रिकेट, व्हाट वर द वेरियस इंस्ट्रूमेंट्स विच people would use to play cricket, and how it has evolved over time. So cricket ek bahut interesting topic hota hai. I think we all love to see cricket matches. To wo aaya kahan se, start kaise hua, kaise evolve hua, ye sab ki jo description hai ye aapko is chapter mein milegi. So yeah, without further ado, let's go ahead. Okay, cricket grew out of the many stick and ball games played in England 500 years ago. The word bat is an old English word that means stick or club. तो basically जो cricket है वो मतलब stick and balls, मतलब एक लकड़ी पकड़ी, एक ball जैसा पकड़ा, उसके साथ मारते गए, उसको खेलते गए. तो ऐसी बहुत सारी games England में खेली जाती थी, तो वहीं से cricket जो है वो emerge हुआ. ठीक है? और England में ये खेला जाता था, ये जो छोटी छोटी games थी या ये जो cricket है जो emerge हुआ, ये 500 साल पहले हुआ. और by the way, ये जो वर्ड है बैट, जिससे कि बेसिकली आपका क्रिकेट खेला जाता है, ये एक सिंपल इंग्लिश वर्ड है, इसका मतलब है स्टिक और क्लब. बाय द 17th सेंचुरी क्रिकेट हैड इवॉल्व्ड इनफ टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज अ डिस्टिंक्ट गेम. टिल द मिडल ऑफ द 18th सेंचुरी बैट्स वर रफली द सेम शेप एज हॉकी स्टिक्स, कर्विंग आउटवर्ड्स एट द बॉटम. तो बेसिकली क्या हुआ कि मतलब 17th सेंचुरी, बाय द 17th सेंचुरी आया, तो क्रिकेट हैड मतलब काफ़ी ज़्यादा क्रिकेट इवॉल्व हो चुका था टू द टाइम दैट इट स्टार्टेड. वहाँ से लेकर 17th सेंचुरी तक वो बहुत इवॉल्व हो चुका था. एंड जिस तरीके से वो इवॉल्व हुआ था, मतलब वो इतना ज़्यादा इवॉल्व हो चुका था कि तब तक वो एक अलग गेम ही बन चुकी थी. तो टिल द मिडल ऑफ द 18th सेंचुरी, यानी कि 18th सेंचुरी के मिड में अराउंड जो बैट्स थे उनकी शेप कैसी थी?
हॉकी स्टिक जैसी शेप हुआ करती थी ऑलमोस्ट. मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए, दिस इज द ओल्डेस्ट क्रिकेट बैट इन एग्जिस्टेंस एंड द कर्व्ड एंड इज सिमिलर टू हॉकी स्टिक. जैसे कि मैंने आपको बताया, इसी से क्रिकेट खेला जाता था. तो मतलब इतना इवॉल्व हुआ, इमेजिन करो आज का बैट, इमेजिन करो कैसा होता है, कितना इवॉल्व हो चुका है क्रिकेट ओवर टाइम, ये आपको यहाँ से पता चल जाएगा. सो वही है जैसे मैंने आपको बताया, जो पहले पहले जो बैट होता था वो इन द इट यूज टू बी इन द फॉर्म ऑफ अ हॉकी स्टिक. There was a simple reason for this. The ball was bowled underarm along the ground and the curve at the end of the bat gave the batsman the best chance of making contact. So, बहुत ही simple है. Ball सामने से आ रहा है तो उसको hit करने के लिए what do you need? You need nothing but a curved stick sort of a thing, right? Okay, one of the peculiarities of cricket is that a test match can go on for 5 days still end in a draw. मतलब imagine करो 5 दिन चलता है test match, but फिर भी 5 दिन चलने के बाद भी वो draw हो सकता है. No other modern team sport takes even half as much as time compared to complete. Half as much time to complete. तो कोई भी और जो game है उसको इतना time नहीं लगता है completion में जितना इसको लगता. A football match is generally over in half an hour, we all know that. Even a baseball completes 9 innings in less than half the time that it takes to play a limited overs match. तो यानी कि अगर आपको कम overs का भी match खेलना है ना, मतलब यानी कि cricket की सबसे छोटी game जो होती है ना वो भी बाकियों की longest से लंबी होती है. So imagine, basically cricket के खासियत क्या है, net अगर कहा जाए, bottom line is that the cricket जो है उसका जो duration होता है वो बहुत लंबा होता है, right? Okay. So ये तो मैंने आप लोगों को दिखाई दिया है ना, oldest bat कैसा था. Okay. Another curious, तो दूसरी characteristic, important characteristic cricket की क्या है, is the length of the pitch is specified 22 yards, but the size or the shape of the ground is not, ठीक है? Most other team sports such as hockey and football lay down the dimensions of the playing area. तो यहाँ पर क्या आपकी सिर्फ पिच की लेंथ होती है, बट बाकी लेंथ जैसे स्टेडियम की कोई डिफाइंड लेंथ नहीं है, कितनी भी हो सकती है. ये खासियत है क्रिकेट की. बाकी जो स्पोर्ट्स होते हैं लेकिन उनकी जो जो भी जहाँ पर भी जिस ग्राउंड में खेला जाता है उनका एक डिफाइंड एरिया होता है. तो यहाँ पर बता दें क्रिकेट में कोई डिफाइंड, यानी कि किसी क्रिकेट के स्टेडियम की ना कोई फिक्स डायमेंशन नहीं होती. इवन आई डोंट नो दैट. ओके, ग्राउंड्स कैन बी ओवल लाइक द Adelaide over or nearly circular like the Chepuk in Chennai. A six at the Melbourne cricket ground needs to clear much more ground than it does at Firoz Shah Kotla in Delhi. There's a historical reason behind these oddities. Cricket was the earliest modern team sport to be codified. The first written laws of cricket were drawn in 1744. ठीक है, तो basically क्या है कि नेट में अगर मतलब देखा जाए तो जो क्रिकेट है, क्रिकेट की एक ये क्या खासियत है कि उसकी फील्ड की कोई भी डायमेंशन स्पेसिफाई नहीं होती है. ये एक खास बात है. और इनफैक्ट जो क्रिकेट फील्ड भी है यानी कि जो स्टेडियम है उसकी शेप कैसी भी हो सकती है, ओवल हो सकती है, राउंड हो सकती है. और उसकी वजह से फ़र्क क्या पड़ता है, फ़र्क ये पड़ता है कि जब मतलब मान लो किसी को अब अगर कैसी शेप जो होगी क्रिकेट ग्राउंड की उसके बेसिस पे अगर आपको सिक्स मारना है किसी भी क्रिकेटर को तो उसको ज़्यादा डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा अगर आपका स्टेडियम बड़ा है. अगर स्टेडियम छोटा है तो ज़रा सा हिट करने से सिक्स बच जाएगा. सो ये चीज़ है जो क्रिकेट में डिस्टिंक्ट है कंपेयर टू अदर स्पोर्ट्स. ठीक है, अभी इसका रीज़न क्या है, ये जो डिफरेंस आप देख रहे हो, ऑरिटीज़ जो आप देख, ऑरिटीज़ मीन्स समथिंग विच इज़ डिफरेंट, ये जो आप देख रहे हो इनका रीज़न क्या है. वेल, इनका रीज़न ये है कि जो लॉज थे, द फर्स्ट रिटन लॉज ऑफ द क्रिकेट वर ड्रॉन इन 1744. तो 1744 में पहली बार लॉज लिखे गए थे. दे स्टेटेड द प्रिंसिपल्स शैल चूज फ्रॉम अमंग्स द जेंटलमैन प्रेजेंट टू अम्पायर्स हु शैल एब्सोल्युटली डिसाइड ऑल डिस्प्यूट्स. द स्टम्प्स मस्ट बी 22 inch हाई एंड द बेल अक्रॉस देम 6 inches. The ball must be between 5 and 6 ounces and two sets of stumps 22 yards apart. तो basically क्या है कि जो बहुत देर पहले जो rules लिखे गए हैं cricket को बनाने के लिए उसमें चीज़ उसमें इसका कुछ specification दी ही नहीं है. सिर्फ इतना बताया गया है कि आपकी pitch की length कितनी होनी चाहिए, आपकी जो wickets हैं
उनकी हाइट कितनी होनी चाहिए, वो भी 22 इंचेस हाई होनी चाहिए. उनके बीच में यानी कि जो आपकी एक विकेट, दूसरी विकेट, तीसरी विकेट, उनके बीच में डिस्टेंस 6 इंचेस होना चाहिए. इससे ज़्यादा कुछ लिखा ही नहीं हुआ है. और बाकी सिर्फ इतना लिखा हुआ है, सिर्फ इतना ही लिखा हुआ है कि बाकी जो डिस्प्यूट्स होंगे, जो भी ग्राउंड पे जो भी लड़ाई है, कोई भी डिस्प्यूटस इशू, लड़ाई कोई भी हो जाए, तो उसको सॉल्व कौन करेगा, सिर्फ और सिर्फ जो अंपायर वहाँ पे खड़ा है वो, दैट्स ऑल. इससे ज़्यादा कुछ नहीं लिखा हुआ. ओके, द फर्स्ट वर्ल्ड्स फर्स्ट क्रिकेट क्लब was formed in Hambledon in 1760 and Marylebone Cricket Club was founded in 1787. So basically सबसे पहला जो क्रिकेट क्लब था वो बना था हैम्बलडन में in 1760 और दूसरा आपका जो था उसके बाद जो एंड Marylebone Cricket Club जो MCC was founded in 1787. During 1760s and 1770 it became common to pitch the ball through the air rather than rolling it off the ground. तो basically पहले क्या होता था, पहले जैसे मैंने आपको बताया जब हॉकी के शेप में क्रिकेट बैट होता था उस टाइम में बॉल को कैसे मारा जाता था, हवा में नहीं मारा जाता था, उसको ग्राउंड पे रोल किया जाता था, ठीक है. लेकिन उसके बाद में 1760 से 1770 के बीच में जो क्रिकेट बॉल था उसको हवा में मारने का ट्रेंड आ चुका था. दिस चेंज गेव द बॉलर्स द ऑप्शन ऑफ लेंथ डिसेप्शन थ्रू एयर प्लस इंक्रीज्ड पेस. तो बिकॉज ये थोड़ा सा बॉलिंग का टेक्निक चेंज हो गया तो इसकी वजह से बॉलर्स को क्या क्या फ़ायदा मिला, एक तो उनको लेंथ का ऑप्शन मिल गया कि वो कितनी लंबी बॉल फेंक सकते हैं, दूसरा डिसेप्शन इज लाइक डिसीव करना, लाइक छुपाना, किसी को धोखा देना. सो वो और मतलब बैट्समैन के लिए बेसिकली वो और डिफिकल्टीज क्रिएट कर सकते थे, ठीक है. एंड स्विंग इन ओके प्लस इंक्रीज्ड पेस, तो उनको पेस भी बढ़ाने का मौका मिल गया, वो स्पीड बढ़ा सकते थे. इट ऑल्सो ओपन न्यू पॉसिबिलिटीज फॉर स्पिन एंड स्विंग. तो स्पिन बॉल आपने सुना ही होगा, स्पिन और स्विंग बॉल दोनों की पॉसिबिलिटी बढ़ गई. इन रिस्पॉन्स बैट्समैन हैड टू मास्टर टाइमिंग एंड शॉट सिलेक्शन. वन इमीडिएट रिजल्ट वॉज द रिप्लेसमेंट ऑफ द कर्व्ड बैट विद द स्ट्रेट बैट. तो यहाँ से आपको पता चल गया कि जो क्रिकेट की कर्व्ड बैट थी उसको चेंज करके स्ट्रेट बैट क्यों बनाया गया. वेल इसलिए बनाया गया बिकॉज क्या हुआ था, अब उसका जो सो बेसिकली क्या हो चुका था बच्चों, हो ही गया था. एक्चुअली माई डॉग ब्रूनो, आई एम नॉट श्योर वॉट इज ही बिजी ईटिंग, इज इज बिजी ईटिंग समथिंग. Milan, I cannot go and stop him from doing that right now. Anyhow, तो हो ये गया था बच्चों कि जो आपका क्रिकेट बैट थी उसकी शेप चेंज हो गई बिकॉज अब बॉल ऊपर से आ रही है तो खाली नीचे से तो आ नहीं रही कि उसको स्टॉप कर लें, ठीक है. तो इसकी वजह से ये हुआ ये कि इसका जो शेप था वो चेंज हो गया. यार ओ गॉड व्हाट्स रॉन्ग विद दिस गाय, ही इज बिजी ईटिंग समथिंग. आई हैव टू वेरी क्विकली गो एंड स्टॉप हिम बट आई कांट. ओके Just a second. ओके सो हियर इट इज़ बच्चो. नाउ वॉट हैपन्ड वॉज दैट, तो जिस मैंने आपको बता दी कि उसकी लेंथ चेंज हो गई, ठीक है. तो अब क्या, जो क्रिकेट बैट की शेप है वो चेंज हो गई, तो अब जो बॉल का वेट था वो भी लिमिट हो गया बिटवीन 51/2 to 53/4 ounces एंड द विड्थ ऑफ द बैट टू 4 inches, ठीक है. अब विड्थ ऑफ द बैट चेंज हो गई, बॉल की जो वेट है वो भी चेंज हो गया, तो सब कुछ धीरे धीरे चेंज हो गया बिकॉज ऑफ द वे इन विच द क्रिकेट वॉज बीइंग प्लेड, ठीक है. नाउ अब क्या हुआ, ओके, इन 1774 द फर्स्ट लेग बिफोर लॉ वॉज पब्लिश्ड. तो 1774 में सबसे पहले लेग बिफोर लॉ पब्लिश हो गया था, ठीक है. आपको पता है LBW जो होता है वो लॉ पब्लिश हुआ. इन 1783 डेज हैड इन 1780 3 days had become the length of major match and this year also saw the creation of first 6 seam cricket ball. So basically ab kya hua, dheere dheere bahut sare reforms hone lage cricket ke andar. To 1780 mein sirf 3 din maximum length ho sakti thi kisi bhi match ki, to dheere dheere kya hua, wo cheez change hoti gayi.
नाउ हियर ये देखो, द पेवेलियन ऑफ द मर्लीबोन क्रिकेट क्लब इन 1874. तो ये MCC क्रिकेट क्लब जो बना था, ये देखिए उसका और आज की देखिए कितना डिफरेंट है. ओके, इफ यू लुक एट द गेम्स इक्विपमेंट यू कैन सी हाउ क्रिकेट बोथ चेंज्ड इन चेंजिंग टाइम्स एंड येट फंडामेंटली रिमेन ट्रू टू इट्स ओरिजिन इन रूरल इंग्लैंड. तो बेसिकली वेयर एज आई एग्री कि क्रिकेट चेंज हुआ टाइम के साथ, बट रूरल इंग्लैंड में क्रिकेट मतलब उसकी जो बेसिक्स थे ना वो वैसे के वैसे ही रहे. क्रिकेट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल्स आर ऑल मेड ऑफ नेचुरल प्री इंडस्ट्रियल मटीरियल. द बैट इज मेड विद लेदर ट्वाइन एंड कॉर्क. इवन टूडे बोथ बैट एंड बॉल आर हैंडमेड नॉट इंडस्ट्रियली मैन्युफैक्चर. सो ये देखें अगर आपकी चीज़ें चेंज हुई क्रिकेट में लेकिन उसके बेसिक्स चेंज नहीं हुए. आज भी क्रिकेट का जो बैट है वो हैंडमेड होता है, बॉल होता है वो हैंड होता है, इट्स नॉट मैन्युफैक्चर्ड इन दी इंडस्ट्री में जाके मैन्युफैक्चर नहीं होता. ठीक है, द मटीरियल द बैट चेंज स्लाइटली ओवर टाइम. बैट का मटीरियल चेंज हो गया. वंस इट वॉज कट आउट टू अ सिंगल पीस वुड, नाउ इट कंसिस्ट ऑफ टू पीसेज. द ब्लेड विच इज मेड आउट ऑफ द वुड ऑफ द विलो ट्री एंड द हैंडल विच इज मेड आउट ऑफ केन दैट बिकेम अवेलेबल एज यूरोपियन कॉलोनिस्ट एंड ट्रेडिंग कंपनीज एस्टैब्लिश्ड देमसेल्व्स इन एशिया. तो बच्चों अगर आप ऑब्जर्व करें धीरे धीरे कुछ चीज़ें चेंज हुई बट बेसिक्स जो हैं क्रिकेट के वैसे ही रहे. ओके, अनलाइक गोल्फ एंड टेनिस क्रिकेट हैज़ रिफ्यूज टू रीमेक इट्स टूल विद इंडस्ट्रियल और मैन मेड मटीरियल. तो ये चीज़ हमेशा याद रखें, क्रिकेट के जो टूल्स हैं क्रिकेट खेलने के लिए जो यूज़ होते हैं वो अभी भी इंडस्ट्रियल मटेरियल के नहीं होते. दे आर मेड ऑफ नेचुरल, दे आर नॉट मेड ऑफ मैन मेड मटेरियल, दे आर मेड ऑफ नेचुरल थिंग्स. ठीक है, चलिए. बट द मैटर ऑफ प्रोटेक्टिव बट इन द मैटर ऑफ प्रोटेक्टिव यानी कि जो उनका प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट होता है, क्रिकेट हैज़ बीन इन्फ्लुएंस्ड बाई टेक्नोलॉजिकल चेंजेस. तो ऑफकोर्स प्रोटेक्टिव जो उनका इक्विपमेंट है वो चीज़ चेंज हुई है लेकिन बेसिक टूल्स चेंज नहीं हुए. द इन्वेंशन ऑफ वल्कनाइज रबर लेड टू इंट्रोडक्शन ऑफ पैड्स इन 1848 एंड प्रोटेक्टिव ग्लव्स सून एस्टैब्लिश्ड afterwards and modern game would be unimaginable without helmets made out of metal and synthetic lightweight material. तो of course जो इनके pads हैं यानी कि protective pads हैं, जो helmet है, जो gloves हैं, वो सब चीज़ें change हुई हैं with time. लेकिन जो अगर आप देखोगे basic चीज़ें जो cricket के इनसे खेला जाता है वो change अभी तक नहीं हुआ. The origins of Indian cricket are to be found in Bombay and first Indian community to start playing the game was the small community of Zoroastrians, the Parsis. तो इंडिया के अंदर अगर आप देखें क्रिकेट का ओरिजिन जो है मुंबई में हुआ है और वहाँ पर सबसे पहले किसने खेलना शुरू किया, पारसीज की कम्युनिटी थी, उन्होंने खेलना शुरू किया. Brought into close contact with the British because of their interest in trade, the first Indian community to westernize the Parsis founded the Indian Cricket Club, the Oriental Cricket Club in Bombay in 1848. तो 1848 में इंडिया का सबसे पहला क्रिकेट क्लब बना था जिसका नाम था Oriental Cricket Club. ठीक है, Parsi clubs were funded and sponsored by Parsi businessmen like Tatas and Wadias. The white cricket elite in India offered no help in to the enthusiastic Parsi. So basically India ke andar jo bhi bana wo sabhi Indians se hi bana, koi jo apne yahan pe jo angrez log the unne kuch bhi madad nahi ki. In fact there was a quarrel between Bombay Gymkhana, a white ओनली क्लब एंड पारसी क्रिकेटर्स ओवर द यूज ऑफ पब्लिक पार्क. तो अगर आप देखें कि जो यहाँ पे वाइट्स थे उन्होंने प्रॉब्लम्स ही क्रिएट की, उन्होंने कुछ हेल्प नहीं किया. ओके, द पारसी कंप्लेंट दैट द पार्क वॉज लेफ्ट अनफिट फॉर क्रिकेट बिकॉज द पोलो पोनीज ऑफ द बॉम्बे जिमखाना डग अप द सर्फेस व्हेन इट बिकेम क्लियर दैट द कॉलोनियल अथॉरिटीज वर प्रेजुडाइज्ड इन फेवर ऑफ देयर वाइट compatriots, the Parsis build their own gymkhana to play cricket. And देखो इंडिया के अंदर ही मतलब जो ब्रिटिशर्स हैं उन्होंने हमारा ही जीना हराम कर दिया था, तो उन्होंने क्या किया वहाँ पर जो जो क्रिकेट जहाँ पर ग्राउंड जिस पर खेला जाता था उस पर ही इनकी लड़ाइयाँ होती रहती थी. जो अब बॉम्बे जिमखाना जो ओनली वाइट जहाँ पे सिर्फ अंग्रेज लोग ही आ सकते थे उनका क्या चक्कर था, वो वहाँ पे पोलो खेलते थे और उसकी वजह से जो पूरा ग्राउंड था वो अनफिट हो जाता था क्रिकेट खेलने के लिए. और फिर ये लोग कंप्लेन करते थे पारसी जो क्रिकेट क्लब था. फिर फाइनली इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपना ही क्रिकेट क्लब बना लिया
ठीक है, इन्होंने अपना ही ग्राउंड बनाया जहाँ पे क्रिकेट खेले। द राइवलरी बिटवीन द पारसीज एंड द बॉम्बे जिम खाना हैड अ हैप्पी एंडिंग फॉर दीज प्रिजनर्स ऑफ पायनियर्स ऑफ इंडियन क्रिकेट। अ पारसी टीम बीट द बॉम्बे जिम खाना क्रिकेट बॉम्बे जिम खाना एट क्रिकेट इन 1889 जस्ट 4 ईयर्स आफ्टर। तो 4 साल कर के बाद में जो ये इनका लड़ाई हुई आपस में, जो पारसी क्रिकेट क्लब था उन्होंने बॉम्बे जिम खाना वालों को हरा दिया। ये देखिए, ये है हमारी सबसे पहली पारसी टीम, ठीक है। द फाउंडेशन ऑफ द इंटरनेशनल कांग्रेस इन 1885 एन ऑर्गेनाइजेशन दैट वाज लकी टू हैव अमंगस्ट इट्स अर्ली लीडर्स द ग्रेट पारसी स्टेट्समैन एंड इंटेलेक्चुअल दादा भाई नौरोजी। तो बेसिकली क्या हुआ कि इंडियन नेशनल कांग्रेस आप सबको पता ही 1885 में इस्टेब्लिश हुई, तो उसमें एक पारसी था जिसका नाम था दादा भाई नौरोजी। Modern cricket is dominated by tests and one-day internationals played between national teams. The players who become famous, who live in the memories of cricket's public, are those who have played for their country. तो ऑफ कोर्स आज भी आपको पता ही, क्रिकेटर्स आर ट्रीटेड नथिंग लेस देन गॉड्स इन इंडिया। तो जो भी बहुत अच्छा खेलते हैं वो डेफिनेटली पब्लिक उनको याद रखती है, बिल्कुल बहुत रिस्पेक्ट मिलती है उनको। ओके आर दोज ओके द प्लेयर्स Indian fans remember even now are those who are fortunate enough to play test cricket. ठीक है, CK Naidu, an outstanding Indian batsman of his time, lives on in the popular imagination with some of his great contemporaries like Palwankar Vitthal and Palwankar Palu have been forgotten. तो लिखा क्या है, लिखा ये कि कई सारे क्रिकेटर्स आज भी जो हम उन्हीं को याद रखते हैं जो इंडिया ने जल के लिए खेला, लेकिन देर वर मैनी मोर क्रिकेटर्स। ठीक है, तो अगर आप देखें सी के नायडू जो है एक आउटस्टैंडिंग इंडियन बैट्समैन था, ठीक है, लिव्स इन द पॉपुलर इमेजिनेशन व्हेन सम ऑफ हिज ग्रेट कंटेम्प्रेरीज। तो उसके साथ ही बहुत सारे अच्छे क्रिकेटर्स थे जिनको हम लोग भूल गए, नहीं भूलना चाहिए। जैसे पलवंकर बालू बहुत अच्छा क्रिकेटर था, पलवंकर विट्ठल बहुत अच्छा क्रिकेटर था, सो वी शुडंट फॉरगेट देम, इवन दे वर ग्रेट क्रिकेटर्स इन इंडिया। ओके, इवन दो नायडू वॉज पास्ट हिज क्रिकेटिंग प्राइम वेन ही प्लेड इन इंडिया इन हिज फर्स्ट टेस्ट मैच अगेंस्ट इंग्लैंड स्टार्टिंग इन 1932, हिज प्लेस इन इंडियाज क्रिकेट हिस्ट्री इज अश्योर्ड बिकॉज ही वॉज द कंट्रीज फर्स्ट टेस्ट कैप्टन। तो क्योंकि उसने एक बहुत अच्छा ओहदा पाया था, दैट्स वाई उसको सब याद रखते हैं, अदरवाइज उसको कोई याद ही नहीं रखता, राइट। इंडिया, तो बेसिकली ही वॉज द इंडियाज फर्स्ट टेस्ट कैप्टन सी के नायडू, दैट्स वाई एवरीबडी रिमेंबर्स हिम। India entered the world of test cricket in 1932, a decade and a half before it became an independent nation. तो independence से बहुत देर पहले, मतलब 10-15 साल पहले India जो है वो test cricket, international test cricket में घुस चुका था, ठीक है। Okay, this was possible because test cricket from its origins in 1877 was organized as a contest between different parts of the British Empire, not sovereign nations. तो बहुत देर से इंडिया खेल रहा था, बट दे फाइनली एंटर्ड 1877 से खेल रहे थे, लेकिन वो एंटर में 1932 में किया। द फर्स्ट टेस्ट वॉज प्लेस बिटवीन इंग्लैंड एंड ऑस्ट्रेलिया एंड ऑस्ट्रेलिया वॉज स्टिल अ वाइट सेटलर कॉलोनी। तो पहला किसके बीच खेला गया था टेस्ट मैच, वो खेला गया था इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। सिमिलरली स्मॉल कंट्रीज ऑफ द कैरेबियन दैट टुगेदर मेकअप द वेस्ट इंडीज टीम वर ब्रिटिश कॉलोनीज Till well after the Second World Wars. और उसके बाद में अलग अलग कंट्रीज के बीच में खेला गया। सो दैट वॉज द स्टोरी ऑफ क्रिकेट बच्चों। आई नो इसमें बहुत सारी डिटेल्स हैं करने के लिए, तो अगर आप पूरी डिटेल चाहते हैं तो आपको क्या करना है, यू हैव टू गो एंड बाय द प्लस सब्सक्रिप्शन, ताकि आपको घर बैठे बैठे पढ़ने का मौका मिले, सभी कोर्सेज का एक्सेस मिले, टॉप एजुकेटर्स आपको पढ़ाएं, स्टडी मटेरियल मिले, हर फैसिलिटी मिलेगी। और कितने में, व्हाट इज़ द प्राइस, 2 साल 25,000, 18 months 20,000, 15 months 18,000। और इस प्राइस पर आपको मिलेगा मेरा कोड SOS10 यूज करने से फ्लैट 10% डिस्काउंट। देन बच्चों, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के क्या क्या फीचर्स हैं, इसके अंदर सभी फीचर्स हैं प्लस के।
उसके साथ में है एक पर्सनल मेंटोर एंड अ लाइव डाउट सॉल्यूशन सेशन, इनफैक्ट पेरेंट कनेक्ट एंड स्टडी प्लानर भी है। और ये सभी बेनिफिट्स कितने में है, 24 मंथ्स 48,000, 18 मंथ्स 32,000, 15 मंथ्स 32,000, और इस प्राइस पर मिलेगा आपको फ्लैट 10% डिस्काउंट यूजिंग माई कोड SOS10। डोंट फॉरगेट टू यूज माई कोड SPSO10 टू अनलॉक फ्री स्पेशल क्लासेस एंड फ्री टेस्ट सीरीज ऑन द अन अकेडमी ऐप। एंड बच्चों रिमेंबर, मेरा कोड है SOS10। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। बाय एवरीबडी, लव यू ऑल।